आए हम अपनी दुआओं को खुदा के कलाम से किस तरह मजबूत बनाएंगे, हम ज़रूर सीखें। इस चैनल पर प्यारे अजीजों हम सीखेंगे कि दुआ की कमज़ोरियाँ कैसे दूर की जाती हैं। हम इस चैनल पर सीखेंगे यीशु ने अपने शागिर्दों को जिस्म में रहकर दुआ करना सिखाई। हम यीशु की रूह से सीखेंगे कि दुआएं कैसे करें। ये दुआ आपको बताएगी कि आपकी ज़िंदगी के वो पुराने राज किस तरह से खुल सकते हैं। ये दुआ उन राजों को खोल सकती है। यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम ब्रदर चार्ल्स, सियालकोट पाकिस्तान से मैं खुदा के कलाम की खिदमत को लेकर आपके सामने आया हूँ। प्यारे दोस्तों, जो लोग इस चैनल को, इस वीडियो को, इस इन पैगामात को सुनेंगे, मेरा जो बेसिक मकसद है इस चैनल पर, इस चैनल को ऑन करने का, एलविश टीवी के नाम से ये चैनल ऑन किया गया है, और इस चैनल पर जो हमारा पर्पस या खुदा का मकसद इसमें शामिल है कि लोगों को दुआ करने के ताल्लुक से सिखाया जाए। दुआ एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी ज़िंदगी में, और दुआ एक बड़ी बेसिक चीज़ है। जैसे आप बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे खादबीन को सुनते हैं और वो बड़े मजामीन पर बात करते हैं, तो मेरे अंदर ये बात है कि मैं इस चैनल पर, इस मजमून पर ज़रूर बात करूँ। बहुत सारे लोगों के दुआ के ताल्लुक से मसाइल होते हैं, जैसे लोगों के अंदर ये मसाइल है, उनको दुआ करना नहीं आती, दुआ के अंदर लफ्ज़ों का चुनाव ना होना, दुआ का ना मिलना, दुआ का कमज़ोर हो जाना या दुआ का ना होना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम दुआ पर बात करते हैं तो हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं। तो मैं जब इस चीज़ को लेकर आपके सामने आया हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसमें जितनी भी वीडियोस आए ताकि आपको इल्म होता रहे। मेरी कोशिश है कि मैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और मेन जो मेरा फोकस होगा हर मजमून का, वो यही होगा कि आप बाइबल के अंदर, बाइबल की आयतों को लेकर, बाइबल को लेकर किस तरह से प्रेयर को अपना मामूल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बाइबल स्टडी कर सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, आप आम रूटीन वर्क में अपनी रूटीन लाइफ को गुजार सकते हैं, लेकिन मुश्किल तरीन काम यह है, दुआ सभी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि दुआ लोग नहीं करते, लेकिन दुआ कंटिन्यू किसी की नहीं रहती। दो हफ्ते रहेगी फिर बंद हो जाएगी, एक माह रहेगी फिर बंद हो जाएगी, तो ये चीज़ें ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दुआ कंटिन्यू हम जारी क्यों नहीं रख पाते? या दुआ के पीछे अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखें और यीशु मसीह पर गौर करें, तो यीशु मसीह ने अपनी 30 साल जिंदगी में, जिंदगी के बाद जब उन्होंने खिदमत का आगाज किया, जब वो खिदमत के लिए निकले, तो सबसे पहला काम जो वहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, तो लिखा है कि वो पानी का बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, यानी उसने दुआ से आगाज किया। अगर कोई शख्स जमीन पर आए जिसे हम खुदा का बेटा कहते हैं, जो हमारे लिए बाई से इज्जत, हमारे ईमान का नुकता नजर है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, अगर वो अपनी खिदमत का आगाज दुआ से कर रहा है और फिर बियाबान में जाकर 40 दिन प्रेयर और फिर पहाड़ों पर दुआ और फिर दुआ पर दुआ, रात रात भर दुआ, तो ये सारी बातें यीशु मसीह की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस बात को इतना ही कमजोर समझा जाता है, लेकिन जो लोग दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी जिंदगी का राज पीछे जो है वो प्रेयर है, वो दुआ है। दानियल की सरफराजी का राज दुआ था। ठीक है, मूसा को आप पहाड़ों पर दुआ करते हुए, लेकिन जो चीज, जिस आयत पर मैं बात करूंगा, जिस सवाल पर बात करूंगा, मेरे साथ आए, बाइबल मुकदस खोले, मुकदस लूका की मुआरफ जो इंजील लिखी गई उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आप जरूर तवज्जो से इन आयात को खुद पढ़ें जो लिखा हुआ है, लिखे हुए के मुताबिक इनको पढ़ें और इस पर फोकस करें कि यहां लिखने वाला जो लूका है, वो यीशु मसीह की प्रेयर को, लूका की सारी इंजील में तकरीबन उसने यीशु मसीह की 6-7 दुआओं को फोकस किया है। मत्ती ने ऐसा नहीं किया, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में ऐसा नहीं है, मरकुस की इंजील में ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा शख्स जिसे हम लूका तबीब भी कहा जाता है, इस शख्स ने यीशु मसीह की दुआओं को कसरत से फोकस किया है। 7-8 ऐसे पॉइंट इस इंजील के अंदर मौजूद है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि यीशु मसीह की हर दुआ के बाद कोई काम होता है। यीशु मसीह ने जब भी दुआ की तो दुआओं के बाद कोई किसी चीज का उसे सामना करना पड़ा।
हमारी जिंदगी में दुआओं की एक लंबी लिस्ट तो है, लेकिन शायद उसके बाद कोई काम रूनमा होता हुआ हमें नजर नहीं आता। ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं, आप जरूर सुनिएगा। मुकद्दस लूका की मार्फत जो इंजील लिखी गई उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उसे कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप, आमीन। इस आयत के अंदर या इस पॉइंट के अंदर आपके पास जो बाइबल है उसके ऊपर लिखा हुआ है, यीशु दुआ की तालीम देते हैं, और ये दुआए रबानी जिसे हम पढ़ते हैं, जिसका आगाज यीशु ने किया यहां पर शागिर्दों के कहने पर। उन्होंने ये सवाल किया यीशु के सामने कि जैसे यूहन्ना के शागिर्दों ने दुआ करना सिखाया है, तू भी हमें दुआ करना सिखा। तो बाइबल में बहुत सारे अंबिया मौजूद हैं, दुआ के लिए तो वो अपने रसूलों को या अपने हमवारियों को अपने शागिर्दों को कहा करते थे कि दुआ किया करें, लेकिन वो दुआ करते क्या थे ये इल्म नहीं है। मूसा दुआ करता है, लेकिन दुआ में वो लफ्ज क्या यूज करता था, किन लफ्जों का चुनाव करता रहा, हमें ये इल्म नहीं। यशाया, यर्मिया, दानियल और भी दीगर बुजुर्ग इब्राहिम, बहुत सारे अंबिया इकराम दुआ करते रहे, लेकिन वो दुआ में वो किन लफ्जों को यूज करते थे और दुआ के अंदर वो किन लफ्जों का चुनाव करते थे, उनका दुआ में पर्पस क्या था, ये हमें इल्म नहीं है। ठीक है, आप बता भी नहीं सकते कि वो दुआ कर क्या रहे थे। हर चंद लोगों की दुआओं का जिक्र आपको जरूर इसमें मिलेगा, मैं जरूर उनको साथ साथ डिस्कस करूंगा इस चैनल पर कि प्रेयर असल में है क्या, दुआ असल में एक भेद है, दुआ असल में एक मुकाशफा है, अगर किसी को समझ आए, दुआ असल में एक सांस है। ठीक है, देखिए जब हम बोलते हैं प्रेयर में तो एक हवा है जो हमारे मुंह से निकलती है, और ये हवा ही उड़कर बातें या लफ्ज जो हवा की सूरत में खुदा के हुजूर पहुंचते हैं, तो गोया ये हमारी सांस है। ठीक है, जो जैसे जैसे सांस फेफड़ों के अंदर गुर्दों के अंदर पंप करती है और हवा बनती है, ठीक है, इसी तरह से ये एक ऐसी सांस है जिसका ताल्लुक आलमे बाला से, जिसका ताल्लुक खुदा की हजूरी से है, यानी आपकी जुबान से निकलने वाले लफ्ज जो है वो आसमान खोलेंगे, वो खुदा को आप पर मेहरबान करेंगे, खुदा को आपके लिए तैयार करेंगे, यानी खुदा आपके लिए तैयार हो जाएगा प्रेयर के वसीला से। जब हम अक्सर दुआ करते हैं तो दुआ को बिना तैयारी के कर देते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। दुआ करने से पहले क्या करना चाहिए, दुआ का मकसद क्या होता है, दुआ किस तरह से करनी चाहिए, दुआ अब यहां पर जो बात जिसको हम जिस बात को पॉइंट आउट करेंगे वो शागिर्दों की बात है, क्योंकि इतना वक्त नहीं कि मैं सारी बातें एक ही वीडियो में कर दूं। शागिर्दों ने जिस पॉइंट को कहा कि जैसे यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, तो इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे और इस प्रेयर पर बात करेंगे जिसे हम दुआए रबानी कहते हैं। ये आपके सामने एक सर्कल की सूरत में दुआए रबानी को तकसीम किया गया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ऐ बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम, तो ये तकरीबन 12 पॉइंट है। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद आपको एक वाइट सा सर्कल भी नजर आ रहा है, फिर आपको साइडों पर एंजल नजर आ रहे हैं। ये सारी पिक्चर का एक मकसद है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब यीशु जब दुआ करते थे तो आपको उनके साथ खुदा के फरिश्ते नजर आएंगे। अलीशा, एलिया जब दुआ करते थे तो खुदा के फरिश्ते आया करते थे, और वो लोग जब प्रेयर करते तो खुदा की आतशीन रथ वहां पर ठहरते। ठीक है, लेकिन अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि जब तो अभी दुआ करिए उदो बदरूं आ जाती ने, या जिन्न आ जाते हैं, तो या फिर सानू डर होता है, तो या हमें खौफ आता है, या भूत आ जाते, तो ये सारी चीजें क्यों है, हमारी प्रेयर में ऐसा क्यों नहीं, हमारी हम जब दुआ करें तो हमारी दुआ में भी तो एंजल आने चाहिए ना, एंजल आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आते क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। यहां पर लुका की इंजील में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि शागिर्द यीशु से कहते हैं हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि यूहन्ना के शागिर्द भी दुआ करते हैं, यूहन्ना ने उनको सिखाई है, लेकिन दुआ यूहन्ना ने सिखाई क्या है इसका इल्म नहीं। मूसा ने कौन सी दुआ की इसका इल्म नहीं। अलीशा, एलिया जितने भी अंबिया थे दुआ करते, कौन सी प्रेयर करते थे इसका इल्म नहीं है। करते वो थे लेकिन करते, लेकिन जब यीशु मसीह की बात आई तो यीशु मसीह अगर यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते थे, अगर उनकी दुआ इस काबिल और इस लायक थी,
तो यीशु मसीह, इसका मतलब वो गलत दुआ नहीं करते थे, मेरी बात को जरूर समझेंगे सुनने वाले जो बाइबल पढ़ने वाले, इसका मतलब वो गलत दुआ नहीं, उनकी वो दुआ उस मियार की नहीं थी जो दुआ यीशु चाहते हैं कि हम करें, जो दुआ यीशु मसीह चाहते हैं कि हम करें। यहां जब उन्होंने कहा कि मैं दुआ करना सिखा, तो यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। अगर आप मत्ती की इंजील, मैं इसे आपके लिए इस रेफरेंस को भी पढ़ता हूं क्योंकि लूका 11 में और मत्ती 6 बाब के अंदर, 6 चैप्टर के अंदर इस दुआ का जिक्र आपको मिलेगा। और इस चैप्टर में यीशु ने दुआ की लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, तालीम दी है दुआ पर, के दुआ आपको कैसे करनी। इसमें रिहाकारों की दुआ का जिक्र किया गया, इसमें बकवास करने वालों की दुआ का जिक्र किया गया, और इसके अंदर वो लोग जो चर्च के अंदर माइक पकड़ लेते फिर वो माइक छड़ते ही नहीं, फिर सानू माइक लग गया हूं तो असं पूरे मुल्क लिए दुआ करके छड़नी, इसमें उन लोगों का भी उसने जिक्र किया, रिहाकारों की दुआ का भी जिक्र किया। लेकिन यीशु मसीह ने सारी दुआओं को रिजेक्ट करने के बाद उसने यहां मत्ती की इंजील 6 बाब 9वीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसका मतलब यह है कि जो यूहन्ना के शागिर्द प्रेयर करते, यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि ये वो दुआ करे, जो प्रेयर रसूल करते थे नबी करते थे, यीशु ने उनकी दुआ को फॉलो करने ही नहीं दिया। यीशु मसीह का पर्पस दूसरे नबियों से फर्क है, यीशु मसीह की तालीम फर्क है, यीशु मसीह का मंसूबा फर्क है, यीशु मसीह की निजात फर्क है, यीशु मसीह ने काम फर्क किए हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह एक खुदा का फर्जंद है, खुदा का बेटा है जिस पर हम ईमान रखते हैं, तो वो चूंकि दूसरों से काम फर्क कर रहा है, दूसरों से उसका मकसद फर्क है, तो उसकी प्रेयर भी फर्क है, ठीक है। मूसा ने जब भी दुआएं की हैं हमें पता नहीं वो किस तरह दुआ करते थे या उनके लफ्जों का चलाव क्या था, दुआ में वो किन लफ्जों का चलाव करते थे। यहां पर बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात को समझे ही ना कि असीं जिहड़ी दुआ करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गैर जुबानों में दुआ करने का शौक है, उस पर भी मैं जरूर बात करूंगा कि जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो गैर जुबाना चे ही नहीं करनी, यानी हम इसी में ना करते जाएंगे, अपने गैर जुबाने हमें मिल गए तो हम इसी में कर रहे हैं। गैर जुबानों पर भी मैं जरूर बात करूंगा क्योंकि वो भी एक दुआ है। अब यीशु मसीह ने यहां कहा कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से करो, यानी जैसे यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, मूसा एलिया या अदर नबियों ने जैसे भी प्रेयर किए, आपने वैसे दुआ नहीं करनी, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। अगर यीशु खुद कहते हैं कि ऐसे दुआ करो, इसे आप दुआए रबानी का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका पर्पस भी यही कि द लॉर्ड्स प्रेयर, खुदावंद की दुआ, ठीक है। इसमें जो खास मकसद है कि यानी उस्ताद की दुआ, द लॉर्ड्स प्रेयर आपको नजर भी आ रहा होगा इस चैनल पर, इस चैनल के लोगों पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो खुदावंद की दुआ यानी उस्ताद की दुआ, ऐसी दुआ जो उस्ताद करता है, यानी ऐसी प्रेयर जो उस्ताद खुद करता है। अगर यीशु ये खुद प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने हमें यह कहा है कि आप लोग इस तरह से प्रेयर करो। हमने एक छोटी सी, मैं इसे गलती कह लूं या शायद हमारी मर्जी कह लें, ब्लेम नहीं करूंगा, मैं जो बात सिखाऊंगा उसने कहा बस तुम इस तरह दुआ किया करो, लूका में हमने पढ़ा जब तुम दुआ करो, तो यहां से शुरू कहो, कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमने आजमाइश में ना ला, हमने बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल। तो ये तकरीबन सारी प्रेयर तकरीबन 25 सेकंड में या 28 सेकंड में खत्म हो जाती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यीशु से ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 28 सेकंड प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन खुद खुदावंद ये कह रहे हैं कि आप जब दुआ करें, ये पर्सनल प्रेयर की मैं बात कर रहा हूं, इज्तमाई दुआ की बात नहीं कर रहा कि जब आप चर्च में लोगों के साथ कलीसिया के साथ मिलकर प्रेयर करते हैं, मैं उस प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। इस प्रेयर को पर्सनली लें, शख्सी तौर पर लें, हर बंदा जो इस पैगाम को सुने वो ये सोचे कि मैंने जब खुद दुआ करनी है तो मैंने इस टारगेट को कैसे, इस टारगेट पर किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो मैं ये पर्सनल प्रेयर की बात कर रहा हूं, ये भी मैं बताता जा रहा हूं, क्योंकि इसे आप शख्स इसे इज्तमाई प्रेयर ना समझे, इसे कलीसियाई दुआ ना समझे, लेकिन हमारे चर्च का जो शेड्यूल है, जो रूल बनाया गया, मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि यहां यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो इस तरह करो। लेकिन हमारा जो शेड्यूल है वो ये है कि सारी प्रेयर करने के बाद, हम सारी दुआ करने के बाद हम लास्ट में दुआए रबानी यानी उस्ताद की दुआ जो है वो हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि हम खुद उस्ताद है इसलिए हम सारी दुआ पहले करते हैं और उस्ताद की दुआ को हम बाद में करते हैं। लेकिन जो उस्ताद ने जो लिखी हुई बात, मैं आपको पंजाबी च नहीं लोकियां दे ओ गल करो जी लिखी दे पढ़ी हो, लिखी पढ़ी गल मैं तुहानू सुनाउंदे हां, लिखा इस तरह से है
करना हमारी मर्जी है कि हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, लिखा इस तरह से है कि आपने जब प्रेयर का आगाज करना है तो यहां से करना है, ए हमारे बाप। तो इसका मतलब हम 28 सेकंड दुआ करें, ये इसका पर्पस है। दूसरी बात, एक जगह पर यीशु ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। अब दिन के अंदर चार घड़ियां, इस दिन चार पहर होते हैं, चार पहरों के हर पहर के अंदर तीन घंटे का एक पीरियड होता है। तो यीशु मसीह इसका मतलब अपने शागिर्दों को कह रहे थे कि आप मेरे साथ 3 घंटे भी दुआ नहीं कर सके। ठीक है, तो जब यीशु खुद कहता है अपने शागिर्दों को आप मेरे साथ 3 घंटे भी प्रेयर नहीं कर सके, तो हमारे प्रेयर का दौरानिया मेरे नजदीक एक क्रिश्चियन बंदे का जो अपने आप को मसीह कहता है, आप मसीह के इल्म को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपने मसीह आपने क्राइस्टोलॉजी को पढ़ा हुआ है, आपने इल्म इलाही को पढ़ा हुआ है, आपने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप मसीह की दुआ के बारे में क्या जानते हैं, आप यीशु मसीह की दुआ के बारे में कितना इल्म रखते हैं, कितना आपको इल्म है कि आप कि जो यीशु ने ये दुआ की है इसके पीछे क्या पर्पस है। हम इस दुआ पर लोगों को तालीम तो देते हैं, लेकिन दुआ दुआ ही होती है, उसे हमने दुआ की रूह से देखना है। ठीक है, अब यहां पर जब यीशु अपने शागिर्दों को दुआ सिखा रहे थे तो मैं इस प्रेयर को इस तरह से लेता हूं। ठीक है, मैं इस तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो लोग दुआ करना चाहते हैं, जो दुआ में मजबूत होना चाहते हैं, दुआ में अपना टाइम पीरियड बढ़ाना चाहते हैं, दुआ की प्रेजेंस को रिसीव करना चाहते हैं, इसमें आपको एक वाइड सर्कल नजर आ रहा है। इस सर्कल का भी मकसद है कि जब जैसे जैसे आप दुआ करते जाएंगे आपके चुगिर्द एक मसा का खौल बनता जाता है। ठीक है, एक मसा का खौल बनता जाएगा और खुदा के जो पाक फरिश्ते हैं वो हमारे चुगिर्द आना शुरू हो जाएंगे जब हम उस्ताद की दुआ करेंगे, जब हम उस्ताद की जैसे दुआ करेंगे। भाई शागिर्दा का काम है ना, जिम्मे उस्ताद ने किया उंज करिए। वैसे तो आपको पता ही है, हर बंदा अकलमंद है, वो अपनी अकल से तो बड़ा कुछ सोच सकता है। अगर शायद कुछ लोग इस पैगाम को सुने और वो ये कहते हैं कि जी असी जड़ी पहला दुआ करते सौ गलत है, तो इसका ये पर्पस नहीं है, ये मकसद नहीं। जब जिस वक्त जब खुदा जिस चीज की समझ दे, हमें उस वक्त अपने आप को उस कलाम की उस आयत के मुताबिक ढालना और समझना है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन जब वो 5 फुट का हो जाए तो फिर उसे वो छोटे कपड़े नहीं, फिर कपड़े उसके लिए बड़े लाए जाते हैं। जब अगर आपका ईमान बड़ा हो रहा है, आपका मकसद बड़ा, आपकी रोया बड़ी है, आपका विजन बड़ा है, आपके काम बड़े हैं, आप सोचते बड़ा बड़ा है, तो फिर ये सूसी की तरह हमें दुआ को भी बड़े अंदाज से करना चाहिए। मैं इसे शुरू करता हूं, आप बड़े फोकस से बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु मसीह ने कहा ना ए हमारे बाप, तो इसका मतलब ये एक पॉइंट है, आपको नजर आ रहा होगा मैंने एक एक पॉइंट से इसको तकसीम किया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि आपने पहले पॉइंट पर रहना है, जैसे मैं बोलूं आप इसको सुन सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि किस तरह से आप प्रेयर का आगाज करें। ए हमारे बाप, ये एक पॉइंट है कि बाप पर रहना, थोड़ी देर के लिए आप रुके, इस पॉइंट को देखें, ये असल में प्रेयर पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है पर्सनल पॉइंट, यानी पहले उस्ताद के पॉइंटों पर दुआ करें और उसके बाद आप आकर जो प्रेयर पॉइंट बने हुए उन पर प्रेयर करें। ठीक है, उन पर आकर आप प्रेयर करें, तो आप जब प्रेयर पॉइंट पर प्रेयर करेंगे। ठीक है, तो ये असल में पॉइंट टू पॉइंट जीसस ने जो प्रेयर सिखाई है तो उसमें उसने पॉइंट सिखाए हैं हमें। ठीक है, कि आपने किस तरह पॉइंट टू पॉइंट प्रेयर करें। ठीक है, जब आप अब इन सारी यानी उस्ताद के पॉइंटों पर प्रेयर कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी जो जाती जो पर्सनल डिजायर है, जो जिन मकसद के लिए आप दुआ में ठहरे हुए हैं, आप वहां पर आकर करें। ठीक है, तो यीशु मसीह जैसे काम करने के लिए, मेरा बड़ा ईमान है वो लोग जो यीशु मसीह जैसे बनना या जैसे काम उसने किए, ये प्रेयर हो सकता है बहुत सारे खिदमत गुजार लोगों को जरूर समझ आएगी, वो इस बात को जरूर कैच करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कलाम सुनने वाले लोग इन बातों को जरूर पकड़ते हैं कि कोई अगर बात कर रहा है तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। तो पॉइंट नंबर पहला है ए हमारे बाप, तो बाप एक एक पॉइंट है जिसमें आपने जब अपनी प्रेयर का आगाज करना है तो जब आप बैठते हैं तो आप उसे बाप कहकर पुकारें, जैसे ये समझे कि मैं आपके सामने दुआ कर रहा हूं, ए बाप मैं तेरे हजूर आया हूं, ए बाप यीशु मसीह के नाम से, ए बाप मुझे कबूल कर, मेरे जान जिस्म तेरे हजूर हाजिर है, ए बाप मैं यीशु नाम ने तेरे हजूर हाजिर होता हूं, मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरा खून, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियां,
मेरा मकसद तेरे हजूर हाजिर होता है, मुझे ए बाप अपने हजूर हाजिर होने की इजाजत दे, मुझे अपने हजूर आने की इजाजत दे, मुझे अपनी हजूरी में दाखिल होने की इजाजत दे। इसमें आप रूह कुछ की मदद को हायल कर सकते हैं। पाक रूह मुझे बाप के हजूर हाजिर कर यीशु मसीह के नाम में। ए बाप मुझ पर रहम कर, ए बाप मेरी दुआओं पर कान लगा, ए बाप मुझ पर फजल कर, ए बाप मेरी जिंदगी तेरे हवाले है, मेरे काम तेरे हाथ में है। ए बाप मुझे बरकत दे, मुझे दुआ की रूह दे, ऐ बाप मुझे दुआ की ताकत दे ताकि मैं दुआ कर सकूं, ऐ बाप मैं तेरे करीब आया हूं। यानी एक पॉइंट है, आप देखें मैंने कितने वर्ड जो है सिर्फ बाप पर, यानी अपना मकसद बयान नहीं किया, ऐ हमारे बाप। यानी पहले किसी को अपने लिए तैयार करना, बच्चे अपने बाप से किस तरह से मांगते हैं, भाई छोटे बच्चे अपने अब्बे को कोई चीज लैनी हो तो वो पहला आ गए तो कपड़े खिंच देने, पापा 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 करते रहेंगे, और उसके बाद फिर बाप उनको की चाहिए तो फिर वो उनको, तो ये नहीं पहले बाप को अपने लिए तैयार करना, बाप कहकर जो बातें, और ये जो बात मैं करूंगा जब आप जबूरों को पढ़ेंगे बुजुर्ग दाऊद को, तो सिर्फ लफ्ज आपको चेंज मिलेगा, वो ऐ खुदा कहता है, हमने यहाँ ऐ बाप कहना है, वो ये दाऊद जब बुजुर्ग दाऊद प्रेयर करते हैं वो अपनी दुआओं में इन चीजों का जिक्र करते हैं, ऐ खुदा मेरी दुआओं पर कान लगा। यानी इस तरह से आपने इस पॉइंट पर प्रेयर करनी। फिर आप सेकंड पॉइंट पर आ जाएं, जैसे तू जो आसमान पर है, तेरा ऐ बाप, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो ये पॉइंट है कि आप दूसरे पॉइंट पर आ जाए, आपको नजर आ रहा होगा तू जो आसमान पर है। यानी अब जब आप आसमान पर आएंगे तो ये भी जबूर में पढ़े, बुजुर्ग दाऊद उसके आसमानों की तारीफें करता है, खुदा बाप तू जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, तूने आसमानों को बिना सतूनों के खड़ा कर दिया है, तूने आसमान को सूरज चांद सितारे रौनक बख्शे हैं, तू जमीन से पानी को बुखारात की तरह उठाता और उसे उसे यख बना देता है। यानी ये बातें बाइबल में, यानी आपकी सारी प्रेयर बाइबल का हिस्सा बन जाएगी, आपकी सारी दुआ में बाइबल होगी कि आप खुदा के आसमान की तारीफ कर रहे हैं, तेरे आसमान पर तेरा नाम है, तेरे आसमान तूने अपने आसमान पर अपने जलाल को कायम किया है, तेरा आसमान मुबारक है, तेरे आसमानों पर चांद सूरज सितारे चमकते हैं, तूने आसमान को बिजलियां बख्शे, तूने आसमान को रंग बख्शा है। तो गोया उसके आसमान की या उसके तख्त की तारीफ करना उन लोगों को जो मांगते हैं, जो मांगने वाले लोग होते हैं गली मोहल्ले में, जिसे आप फकीर कहते हैं, ठीक है, उन्होंने कभी देखे हो या आप उनको नोट करें, जब वो किसी अमीर शख्स के घर में जाते हैं मांगने के लिए तो वो उसके घर की तारीफें शुरू कर देते हैं, वो जी आपका घर, जी चौधरी साहब ताडे कार, तो वो उसके घर की तारीफ करते हैं। तो पहले हमने उसके आसमान, यहां दूसरे पॉइंट में तू जो आसमान पर है उसके आसमान की तारीफ करें। आप जबूरों को पढ़ेंगे तो आपकी आपको ये प्रेयर बिल्कुल समझ आएगी, यीशु मसीह जिस तरह से खुद दुआ करते हैं, अगर असीं उंज नहीं करनी तो फिर जिंज साडी मर्जी उंज ते असीं करन ही डए आना। तो ये दुआ को बेहतर बनाने का तरीका, अगर आप इसको नहीं भी कबूल करते तो ये आपका मैटर है, आप इस बात को अगर नहीं करते या आप इस पर प्रेयर नहीं करते या इस तरह से आप कर नहीं सकते, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रेयर आएगी, क्योंकि ये उस्ताद की दुआ। और मेरा नहीं ख्याल कि यीशु आपको अपनी दुआ करना ना सिखाए या यीशु मसीह आपको अपनी प्रेयर पर काम करना ना सिखाए। पॉइंट नंबर तीन, तेरा नाम पाक माना जाए, ठीक है, तेरा नाम पाक माना जाए। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप जबूरों को ही पढ़ेंगे, ये सारी दुआएं असल में जबूरों में लिखी हुई हैं, लेकिन वहां पर तकसीम है, यीशु मसीह ने उनको हार बनाकर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, ठीक है, तो वहां पर जो लिखा हुआ है कि ऐ खुदा तूने अपना बुजुर्ग नाम आसमानों पर कायम किया है। अब नाम पर आप जितनी चाहे प्रेयर करें, पहले उसके नाम की तारीफ कर दे, ऐ बाप तेरा बुजुर्ग नाम आलम बाला पर मशहूर है, तेरे नाम का जलाल है, तेरे नाम की कुदरत है, तेरे नाम में जिंदगी, तेरे नाम में कुदरत है, तेरे नाम में बहाली है, तेरे नाम में खुशहाली है, तेरा नाम ही कुदरत वाला है। अब जमीन पर जब आप आते हैं तो लिखा है उसने अपना नाम अपने बेटे को दिया, ऐ बाप तूने अपना नाम अपने बेटे को दिया, उस नाम के वसीला यानी यीशु नाम का जलाल मुझे दे, मुझे यीशु नाम की कुदरत दे, यीशु नाम से मेरी जिंदगी में बहाली है, यीशु नाम से खुशहाली खुशहाली है, तेरा नाम जिंदगी है, तेरा नाम जो जमीन पर आसमान पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, जिस नाम के वसीला से हम जिंदगी पाए निजात पाए, ठीक है। तो आपको नाम पर प्रेयर करनी है, उसके नाम की आप जितनी तारीफ करें कर सकते हैं, ठीक है। खुदा हम तेरे नाम से अंधे देखते, तेरे नाम से लंगड़े चलते, तो आप यीशु नाम की तारीफ करें, आप यहोवा कदूस के नाम की तारीफ करें, आप
مسیح قدس کی تعریف کریں یا آپ مقدس یسوع کی تعریف کریں، آپ نے ان کے ناموں کی تعریف کرنی جتنی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کرتے جائیں۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 پر آ جائیں، تیری بادشاہی آئے۔ تو بادشاہی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک سکیچ بن جاتا ہے کہ وہ آنے والی بادشاہی کی بات کرتے ہیں۔ تو جب دعا میں جو بادشاہی مانگی جاتی ہے یا جس دعا میں وہ جس بادشاہی کا ذکر کر رہا ہے، اصل میں وہ اتھارٹی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بادشاہی کا ایک مطلب یہ بھی ہے، روب بادشاہی مین اختیار، یعنی کسی کا اختیار ہم پر آ جانا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ دیکھیں، جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو اسرائیل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آ کر انہوں نے 40 دن پریئر کی، تو سب سے پہلا کام یسوع مسیح کی دعا میں یہ ہوا کہ آ کر جو شیطان ہے وہ یسوع مسیح سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان آ کر یسوع مسیح سے کیسے ملا؟ جتنے بھی نبی ہمیں دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی سے ملاقات کرنے نہیں آئے۔ تو یسوع مسیح نے آ کر اصل میں جو شیطان کی بادشاہی کے اختیار ہے جو اسرائیل کے اندر تھا، ٹھیک ہے، اس نے اس دعا کو جو اس نے کی ہے 40 دن بیابان کے اندر، فاقے کے اندر، روزے کے اندر رہ کر جو اس نے دعا کی ہے نا، اصل میں شیطان کی بادشاہی یسوع توڑنے آیا۔ یسوع کا پرپز شیطان کی بادشاہی کو توڑنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے ابلیس کی، شیطان کی، بدروحوں کی، جادوگروں کی بادشاہی کو توڑوں، تو آپ اس دعا کو کریں، بادشاہی ٹوٹ جائے گی۔ یسوع اصل میں شیطان کی بادشاہی توڑ کر اپنی بادشاہی، اپنا اختیار، یعنی اپنی بلیسنگ لوگوں کو دینے ہیں۔ یہی تو یسوع مسیح نے کیا۔ یسوع مسیح نے پریئر کی، پریئر کر کے اس کے سامنے شیطان ہے، شیطان سے جب یسوع مسیح نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا اور وہاں سے وہ نکلے منادی کے لیے، جب وہ منادی کر رہے ہیں تو ایک 18 سال سے عورت ہے جس پر ابلیس بادشاہی کر رہا ہے، وہ ہیکل میں جاتی ہے، کبڑی ہے، تو یسوع مسیح نے اسے ہیکل میں آزاد کر دیا۔ تو وہ 18 سال سے کس کی بادشاہی میں عورت زندہ ہے؟ آتی وہ عقل میں، پریئر وہ کرتی ہے، چرچ میں آتی ہے، لیکن اس پر بادشاہی شیطان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا میں مقصد ابلیس کی بادشاہی کو توڑنا ہے۔ آپ نے بادشاہی پر بڑی زبردست پریئر کرے، خدا میری زندگی سے شیطان کی بادشاہی میں تیرے یسوع نام میں توڑتا ہوں، ابلیس کی بادشاہی کو یسوع مسیح کے نام سے توڑتا ہوں، اس کا اختیار میری زندگی سے ٹوٹ جائے یسوع مسیح کے نام سے، میں اپنے گھر سے نپاکی کا اختیار توڑتا ہوں۔ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے جھگڑا ہو، جھگڑا ہوں دہی رہی دا مکڑ چی ہوں دہی نہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے بیماری ہو جاتی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب بیماری ہم پر بادشاہی کرتی ہے۔ تو اس پر میں الگ سے بھی بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ شارٹلی اسے سمجھیں کہ آپ نے نیگیٹو بادشاہی کو توڑنا ہے اور پازیٹو بادشاہی، یعنی جب آپ پر مسیح کا، یعنی یسوع کا اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ میری زندگی سے جو ہے وہ ابلیس کی بادشاہی ٹوٹ چکی ہے۔ آپ یسوع کے آنے کے مقصد کو، میرا نظریہ یسوع کے آنے کا پرپز مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سے شیطان کی بادشاہی کو آ کر یسوع نے توڑا، اور اسی لیے دعائے ربانی میں اس نے حصہ بنایا کہ تیری بادشاہی آئے، یعنی آپ پریئر کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک دن دو دن نہیں، اس نے کہا جب تم، یعنی یہ کرتے ہی رہنا، اسے کنٹینیو رکھے۔ یہ بات آپ کے یسوع نے کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے نہیں کی، یا آپ میرا نام لگا لے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، میں نے نہیں کہا، یہ یسوع مسیح ایسا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہم نے پازیٹو بادشاہی کو بلانا ہے۔ اب جب آپ نیگیٹو چیز کو اپنی لائف سے ریلیز کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ڈینائی کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے پازیٹو کو بلانا ہے، خداوند میری زندگی میں رول کس بادشاہی کرے، میری زندگی میں تیرا کلام بادشاہی کرے، میری زندگی میں خداوند تیرے رول اس کے پھل بادشاہی کرے، نعمتیں بادشاہی کرے، خداوند میری زندگی میں تیرا روح بادشاہی کرے، میرے گھر میں تیری برکت بادشاہی کرے، میری لائف کے اندر تیری بلیسنگ بادشاہی کرے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بدروحیں بادشاہی کرتی ہیں، بدکاری کی، زناکاری کی، حرامکاری کی، جھوٹ کی، لالچ کی، گھمنڈ کی، تو ان بدروحوں پر خدا کی بادشاہی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ نے پہلے اس کا اقرار کرنا ہے، اس میں ہم اقرار بھی کرتے ہیں، خداوند میری زندگی سے نپاکی کی بادشاہی جائے یسوع مسیح کے نام میں، رول اس کی آگ اترے، پاک روح کی فائر کو، یعنی دعاؤں میں، میں اس کا بھی مقصد ضرور بتاؤں گا کہ دعاؤں میں برے کا خون یا روح اس کی آگ کو آپ کب کب مانگے، کب کب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے مانگے۔ تو آپ نیگیٹو بادشاہیاں نکالیں، ہو سکتا ہے آپ ایک روحانی بندے ہیں لیکن آپ رہتے پریشان ہیں، رہندے پریشان ہیں۔ تو میں نے بہت سارے روحانی لوگوں کو بھی دیکھا، اور رہندے بیچارے پریشان ہیں۔ تو پریشانی کا ریزن کیا؟ کیونکہ ان پر ڈپریشن بادشاہی کرتا ہے، ڈپریشن کی اسپرٹ ان پر بادشاہی کر رہی، ڈپریشن کی روح ان پر بادشاہی کر رہی۔ تو آپ نیگیٹو بادشاہیوں کو توڑیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ جب آپ تیری بادشاہی ہے، چوتھے پوائنٹ پر آئے، تیری بادشاہی، تو نیگیٹو بادشاہیاں توڑیں، اس کے بعد پازیٹو بادشاہی کو ہائر کریں، خدا تیرے روح کی بادشاہی۔ پھر پوائنٹ نمبر 5، جیسے تیری مرضی،
आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर। ये दो पॉइंट है, इसमें जमीन और आसमान को आप एक ही पॉइंट में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन असल में है ये दो पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 है और 6 है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर। अब खुदा की मर्जी आसमान पर कैसे पूरी होती है, हमें क्या इल्म, ठीक है, इल्म ये है, सीखना ये है, खुदा की मर्जी आसमान पर, खुदा के जो कुदसी हैं उसके जो फरिश्ते हैं आसमान पर, अय्यूब पहले बाप की छठी आयत में जो बेटे हैं आसमान पर, खुदा के बेटे खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, ठीक है। आसमान पर उसके बेटे, उसके फरिश्ते, उसकी रूह, तमाम मखलूकात जो उस ऊपर है कि ऊपर ऊपर आसमान पर खुदा का इख्तियार है, खुदा बादशाही आसमान पर कर रहा है, तो इसलिए उसकी मर्जी वहां पर पूरी होती है। जब हम पर रूल कुछ बादशाही करेगा तो हम खुदा की मर्जी पूरी करेंगे, करेंगे क्यों नहीं, ठीक है। लोगों के पास जिन्ना ने कख नहीं ना करना खुदा ले उन्हें को एक सब खाजा है वे, उनके पास इंसान कभी कामल नहीं हो सकता, इंसान वाल रब की मर्जी पूरी कर सकता, ये इंजी रहा इंजी ना वो तो इंज ये तो भाई फिर क्यों किस बाइबल की बात कर रहे हैं आप किस सीमा, क्योंकि आप खौफ ज्यादा इंसान है, डरे हुए लोग ऐसा बोलते हैं, जो जीतने वाले लोग हैं वो हारे भी हों तो वो यही कहते हैं कि हम जरूर जीतेंगे, ठीक है। आपको अपनी रास्ती में, यानी रास्ती खुदा की रास्ती में जीतना है, ठीक है, तो अपनी रास्तबाजी जितने सारे जीतन डे हैं, खुदा की रास्तबाजी में जीतने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो खुदा जैसे तेरी मर्जी, जब खुदा की फेवर आपके साथ है, खुरुल उसकी कुदरत आपके साथ है, कलाम की समझ आपके साथ है, एक अच्छे से रूहानी बाप का आप पर साया है, जिसे हम उस्ताद भी कहते हैं, एक रूहानी बाप यानी आपका स्पिरिचुअल एक मददगार होता है जो आपकी हेल्प करता है कलाम के वसीला से, ठीक है, वो आपके साथ है, रूल उसकी कुदरत आपके साथ है, यीशु का फजल आपके साथ है और खुदा ताला की कुदरत, आप तो आप खुदा की मर्जी डेफिनेटली पूरी करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुदा की मर्जी को पूरा ना करें। और फिर जमीन पर खुदा बाप मुझे फजल दे ताकि मैं तेरी मर्जी जमीन पर पूरी करूं, ठीक है। आपने नाम की तारीफ भी कर ली, आपने उसकी बादशाही की भी तारीफ कर ली, आपने अब खुदा की मर्जी को अपने ऊपर बुलाना है कि मेरी जिंदगी में लानत की मर्जी चली जाए, नपाकी की मर्जी चली जाए, शैतान की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है, हमने उसे भी रिमूव करना है और पॉजिटिव, यानी खुदावंद मेरी लाइफ में, मेरे कामों में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे खाने में, मेरे सोने में, मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे चलने में खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। ये प्रेयर है, ये आप ये मत सुनिएगा कि ये को मैं मैसेज सुना रहा हूं, मैसेज तो है लेकिन ये बातें जो मैं कर रहा हूं इनको आपने प्रेयर में यूज करना है, ठीक है। आपने इस पैगाम को असल में दुआ में यूटिलाइज करना है। जब आप पॉइंट नंबर 6 और 7, पॉइंट नंबर 5 और 6 पर आए, आगे पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। जब आप यहां पर आते हैं, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम इसी तरह से मांगते रहे, ये भी एक यीशु मसीह का पॉइंट है, ठीक है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, रोटी से मुराद कलाम ने इसकी तशरीह है, आपने जरूर सुनी है। तो कलाम मांगने के हम लोग 7 दिन के बाद जाकर लोग खुदा से कलाम मांगते हैं, जब चर्च में एक मीटिंग प्रेसाइडर खड़ा होता है और वो कहता है आए सब खुदा से कलाम मांगे, उस दिन 7वें दिन जाकर लोग खुदा का कलाम मांगते हैं, खुदावन मेरे लिए कलाम कर, मैं तेरे हजूर आया, खुदावन आज तेरा कलाम बंदरों को तोड़ दे, जुए तोड़ दे, तो बाकी 6 दिन तो आपने कलाम मांगा ही, यहां लिखा हर रोज, हमारे रोज की रोटी, यानी इसका मतलब हर रोज खुदा से कलाम मांगे, अपने घर पर बैठकर खुदा से कलाम मांगते हैं, ठीक है। चर्च में आप 7वें दिन गए और वहां जाकर कलाम मांग लिया तो यही तो गलती होगी ना हमसे, ठीक है। आपने हर रोज कहना है, लेकिन कहना किस तरह से, ये मैं आपको, खुदावंद मेरी नाकामियों से कलाम कर, मेरी नाकामियों के लिए बोल, खुदावंद मेरी कमजोरियों के लिए कलाम कर, खुदावंद मेरी जिंदगी की कमजोरियों के लिए कलाम कर, खुदावंद हर वो मंसूबा जो दुश्मन मेरे खिलाफ बना रहा है तो उसके लिए कलाम कर, लानतों के खिलाफ कलाम कर, जादूगरी के खिलाफ कलाम कर जो मेरे खिलाफ हो रही है उसके खिलाफ। हो सकता है आप बड़े स्पिरिचुअल खादम हैं लेकिन कोई जादूगर आपके खिलाफ जादूगरी कर रहा है और उसने आपकी खिदमत को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन मानेंगे नहीं लोग, ठीक है, मानेंगे जब आप ये दुआ करेंगे। इस पर मैं बताऊंगा कि दुआ बड़े बड़े राजों को खोलती है। यीशु मसीह ने जब दुआएं की हैं तो वो इबलीस जो कई सालों से, हजारों सालों से छुप कर बैठा हुआ, 40 दिन प्रेयर करने के बाद यीशु मसीह के सामने आ गया, ठीक है। वो किसी से कभी किसी के सामने आया ही नहीं कि कोई बंदा दुआ कर रहा हो और वो सामने आकर खड़ा हो गया, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कौन सी दुआ की है? ऐसी दुआ की कि आपकी जिंदगी का छुपा हुआ शैतान आपके सामने आ जाएगा, बुरे लोग आपके सामने आ जाएंगे जब आप ये दुआ करेंगे। इस दुआ पर आप प्रैक्टिकल करके देखें, आपको मजा आएगा और आपका टाइम भी जाया नहीं होगा, आपको दुआओं का आंसर मिलेगा, ठीक है। आप एक साल के बाद कुछ और होंगे, दूसरे साल में आप कुछ और होंगे, तीसरे साल में आप कुछ और होंगे अगर आप ये दुआ करेंगे, क्योंकि ये मेरा जाती तजर्बा है, मैं इसमें से गुजरा हूं, ठीक है।
रोज रोटी मांगे, रोज खुदा उनसे कहें अगर खुदा ने हमारे लिए आसमान पर कलाम कर दिया, फर्ज करें खुदा आसमान पर मेरे लिए कलाम कर दे कि मैंने चार्ल्स को अपने जलाल के लिए, तो ये आसमान पर कलाम हो गया। और जब खुदा कलाम कर देता है तो जमीन पर कोई भी उसे पूरा करने से नहीं रोक सकता। तो खुदा को एक्चुअल में हम तैयार कर रहे हैं कि मेरे लिए बोल, मेरी मेरी जिंदगी के लिए कलाम कर, मेरे एग्जाम के लिए कलाम कर, मेरी तैयारी के लिए कलाम कर, खुदा मुझसे कलाम कर, मेरे फ्यूचर के लिए कलाम कर, मेरी स्पिरिचुअल तरक्की के लिए कलाम कर। हर रोज इस प्रेयर के अंदर खुदा का कलाम मांगे, ठीक है। और अब पॉइंट नंबर 8, जिस तरह से हमने कसूरवारों को माफ किया या गुनहगारों को माफ किया या कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि हम गुनहगार नहीं है, तो मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा कि कोई गुनहगार है, लेकिन यह दुआ यह साबित करती है कि यीशु कहने आया ने, यीशु समझाने आया ने, पर जब रोज है दुआ तुसी करो, जब तुम दुआ करो तो इस दुआ में कहो जिस तरह ऐ बाप हमने अपने कसूरवारों को अपने गुनहगारों को माफ किया, तू भी हमारे गुनाह हमें माफ कर। यानी जब भी आप ये दुआ कर रहे हैं तो इसमें आप गुनहगार होने का इकरार तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में यह है, बस तरह जब आप प्रेयर करें खुदा बाप उन लोगों को जो मेरे बारे में बुरा सोचते, बुरा बोलते, बुरा समझते हैं, जहां कहीं भी हैं, चर्च में है, कलीसिया में है, घर के अंदर है, ऐ बाप उन सबों को माफ कर दे। और जिनके लिए मेरे मुंह से गलत निकल जाता है या मैं गलत बोल देता हूं, वो मुझे भी माफ कर। आप किसी को माफ करेंगे, रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए, खलासी दो ताकि खलासी पाओ। तो ये एक दुआ जबानी का सूर्य, पॉइंट नंबर 8 और 9 में आप दूसरों के लिए माफी मांगे और अपने लिए भी खुदा से माफी मांगे। पॉइंट नंबर 10 में हमें आजमाइश में ना ला, खुदा किसी को आजमाए ये तो बड़ी उत्तम बात है, ये बड़ी उत्तम बात है। मैंने जैसे कहा कि अगर खुदा किसी को आजमाए, बाज लोगों को शैतान ही आजमा रहा है और वो उन आजमाइशों को खुदा का ही नाम देते हैं, ठीक है। बाज लोगों की जिंदगी में शैतान ने उनके गुनाह या खुदा के कुर्बत में ना आने के बायस वो आजमाइशों में, मुसीबतों में, टेंशनों में जिंदगी गुजारते हैं और वो नाम तो खुदा के ले रहे हैं। तो यहां पर यीशु मसीह आकर कहते हैं हमने आजमाइश में ना ला, ये पॉइंट नंबर 10 की बात है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमें आजमाइश में ना ला, तो इसका मतलब यीशु ने जैसे इंजीलों के अंदर लिखा है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, इसका मतलब अगर हम दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे तो आजमाइशें, आप पैसे की आजमाइश, टेंशन लोगों के ऊपर सवार रहती है, फिर वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, फिर वो पैसे को तलाश करते हैं, फिर पैसे के लिए, तो आप दुआ करते रहें ताकि आप पर आजमाइश आए ना, ये यीशु मसीह का कॉल है, उसके जुबान से निकले हुए लफ्ज हैं, जमीन आसमान टले पर मेरे मुंह की बात हरगिज ना टले। तो जब उसने कहा है कि दुआ करो ताकि आजमाइश ना आए, तो ये दुआ करें, इस दुआ में रहकर प्रेयर करें, दुआ रबानी में प्रेयर करें, ये खुदावंद की जुबान से निकली हुई दुआ है। तो जब आप खुदा, जब आप पॉइंट नंबर 10 पर आए तो आप कहें खुदावंद हर वो आजमाइश जो दुश्मन की ओर से मेरी जिंदगी में है, बदरूहों ने हो सकता है आपकी जिंदगी में पैदा की है, शैतान ने आपकी जिंदगी में पैदा की है, जादूगरों ने आपकी जिंदगी में आजमाइशें पैदा की है, हो सकता है हमारी ख्वाहिशें हमारी जिंदगी में आजमाइशें बनी हुई। तो जब आप प्रेयर करेंगे तो फिर आजमाइशें आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। मैं एक बात आपके साथ शेयर करता हूं इस आजमाइश के पॉइंट पर, आप शायद कबूल करें या ना करें। एक दोस्त, मेरा एक दोस्त था, तो वो गरीब ही आप कह सकते हैं उसे, उसे खुदा ने एक बेटा दिया तकरीबन 3 साल, शादी के 3 साल बाद बड़ी दुआओं के बाद उसे एक बेटा मिला। उसकी मिसिस जो थी, उसकी जो बीवी थी, वो बदरू गिरफ्तार थी, और खुदा ने जब उसे आजादी बख्शी तो उसके बाद उसकी जिंदगी में ये खुशी आई कि उसे खुदा ने एक बेटा दिया। लेकिन जब वो बेटा पैदा हुआ तो उसके दिल में 2 सुराख थे, तो उसने मुझे कॉल की। अब वो पहले बंदा बड़ा गरीब था, ऊपर से बच्चा आ गया, पहली बात तो बेटा पैदा हुआ, और बेटा पैदा होते ही बेटा आजमाइश बन गया, आजमाइश क्या मुसीबत से पै गए, बच्चे के दिल में सुराख थे। अब वो ये दुआएं तकरीबन 6 माह तक बेचारा कन्वेंशनों में, क्रूसड़ों में दुआएं तो वो करता रहा कि खुदा उन्हें से शिफा दे। तो मुझसे उसने जब बात की तो मैंने कहा यार खुदा से सीधी बात करो कि खुदावंद अगर तो ये आजमाइश मेरी जिंदगी में शैतान की वजह से है तो यीशु मसीह के नाम ने खत्म हो जाए, और अगर खुदावंद तेरी ओर से है तो मैं इसे कबूल करता हूं, मैं इसमें जाने के लिए तैयार हूं, मैं इस आजमाइश में चलने के लिए तैयार हूं। मेरी जिंदगी में अगर शैतान की वजह से, बदरूहों की वजह से, जादूगरी की वजह से, मेरे गुनाह की वजह से ये आजमाइशें हैं तो यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन ऐसा हुआ कि सुख उसके बेटे की डेथ होगी, उसका बेटा मर गया, ठीक,
फिर खुदा ने उस पर फजल किया और फिर खुदा ने उसे बेटा दिया। ठीक है, वो तंदुरुस्त भी है, एक्टिव भी है। आप मेरी बात को अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमने आजमाइश में, आप आजमाइशों के लिए दुआ करें कि खुदावंद तू मुझे आजमाइशों से बाहर निकाले। हर वो मुसीबत जिसमें मुझे शैतान डालता है, आपके लोग, आपके रिश्ते नाते आपके लिए मुसीबतें पैदा कर देते हैं, आपके दोस्त आपके लिए मुसीबतें पैदा कर देते हैं, हमारी जॉब हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, बहुत सारे, यानी बहुत सारे लोग तो रहते ही मुसीबतों के अंदर है और फिर वो अपनी जुबान से ये कहते हैं असी साढ़े तो हो रे रब हो रे की हो गया, साढ़िया तो मुसीबत ही साढ़े दुख ही नहीं मुकन। तो इसका मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी जिंदगी में आजमाइश असल में खुदा की तरफ से नहीं है। अय्यूब की आजमाइश हुई, उसके बाद ब्लेसिंग आई, ठीक है, इब्राहिम आजमाया गया, उसके बाद ब्लेसिंग आई, तो आजमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये कौन सी आजमाइश है? ठीक है, खुदा आपको आजमाया, आप आजमाइश में पड़े, ठीक है, आप मुसीबत में पड़े, मुसीबत में पड़ने के बाद आप जिस ब्लेसिंग का आपको सामना करना है, जिस बरकत का आप सामना करेंगे, वो भी आप ही किया है। लेकिन आप जब यीशु कह रहे हैं कि दुआ करें कि हमें आजमाइश, तो ये पॉइंट नंबर 10 पर आप आजमाइशों के खिलाफ दुआ करें। शैतान की ओर से आने वाली है बाप, सारी आजमाइशें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। लानत की आजमाइशें, गुनाह की आजमाइशें, दोस्तों की ओर से आने वाली सारी आजमाइशें यीशु नाम से निकल जाए और उसके बाद खुदावंद तू मुझे आजमा, इस पर करें। अब आप पॉइंट नंबर 11 पर आ जाते हैं, ये देखें लास्ट पॉइंट, नजदीक ही आ गए हम, बल्कि बुराई से बचा, बुराई से बचा। जब हम खुदावन को कहते हैं, और ये दुआ हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जदों सी छोटे छोटे सा संडे स्कूल जाते हैं उदों दी ये दुआ सीखी है। तो इस दुआ में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11 है कि हमें बुराई से बचा, ते बचया एक भी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारी दुआए रबानी वो भी नहीं सुनी गई आज तक, क्योंकि यहां पर ये एक पॉइंट दिया है, यीशु ने हमें बुराई से बचा। बुराई दसनी तो है ना खुदा नूं जिहड़ी करन डए दे आं, यानी बुराई जिहड़ी करिए वो रब नूं दसीए भी ना। अक्सर लोगों का थिंक ये होता है, आप देखें, आप किसी सब्जी वाले के पास जाकर ये कहें मुझे सब्जी दो, तो आपको वो क्या देगा? टमाटर देगा, मिर्ची देगा, गोभी देगा, शलजम देगा, आपको क्या देगा? आप सिर्फ कह दें जी मुझे सब्जी दे दे, तो सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां, फिर वो आपसे पूछे भी तानू केड़ी सब्जी चाहिए, तो फिर आप उसे बताएंगे भी मुझे ये। तो खुदा को हमने यही कह देना कि हमें बुराई से बचा, लेकिन बुराई दसी नहीं अपनी। खुदा ने मेरी यूट्यूब की बुराई तो बचा, मेनु फेसबुक की बुराई तो बचा, मुझे बदकारी की बुराई से बचा, मुझे लानत की बुराई से बचा, मुझे जनाकारी जैसी बुराई से बचा, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर घमंड जैसी बुराई है, मुझे इन बुराइयों से महफूज कर, मुझे बचा, क्योंकि बचाने वाला खुदा। कोई भी बंदा खुदा के बगैर बुराई से बच नहीं सकता, ठीक है, वो ये ख्वाब देख सकता है, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, ख्वाब देख सकता है, लेकिन कोई बंदा भी खुदा के बगैर जमीन पर बुराई से बच नहीं सकता। खुदा आपको बुराइयों से महफूज करता है। आपने से कहना है खुदा मुझे मुआशरे की बुराइयों से बचा, मुझे लालच जैसी बुराई से बचा, मुझे झूठ जैसी बुराई से बचा, मुझे घमंड जैसी बुराई से बचा, मुझे नफरत जैसी बुराई से बचा। तो ये जब बुराइयों का आप जिक्र करेंगे ना, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा पुत्र मेरे के बैठा दुआ कर रहा है, तो इन बुराई असल च है केड़ी। अब बुराई हमारे अंदर है तो हम खुदा को बता नहीं रहे, लेकिन यह जरूर कहन दे पे हमें बुराई से बचा। तो बुराइयों को बताना है डिटेल के साथ, बुराइयां की लिस्ट वैसे ही बड़ी लंबी है, ठीक है, जिन्हियां को असी करने हैं उन्होंने लिस्ट वैसे ही बड़ी लंबी। तो आप डिटेल से खुदा को बताएं कि खुदा मेरी जिंदगी में ये बुराई है। अब जो लास्ट पॉइंट है जिसमें उसने कहा कुदरत बादशाही और जलाल तेरे ही है, ये सारी प्रेयर को आप पॉइंट टू पॉइंट करते जाएं, जब आप इस पॉइंट पर आए कुदरत बादशाही और जलाल तेरे ही है, तो इसमें आप सारी कायनात को असल में प्रेयर में ले आएंगे, आप सारी कायनात को खुदा की हजूर ले आएंगे। खुदा मतलब आप आसमानों से शुरू करें, वो कहता है कुदरत, तो कुदरत आसमान से शुरू होती है, बादशाही आसमान से शुरू होती है, जलाल आसमान से शुरू होता है। तो आप आसमान से शुरू करें, खुदा कुदरत तेरी, हकुमत तेरी, बादशाही तेरी, जलाल तेरे, तख्त तेरे, आलमे बाला तेरे, आसमानों के आसमान तेरे, आसमानों के जहान तेरे, आसमान तेरे, चांद सूरज सितारे तेरे हैं, सियारे तेरे हैं, पहाड़ तेरे, वादियां तेरे, खुदावंद बाग तेरे है, दौलत तेरी, इज्जत तेरी, सोना तेरा, चांदी तेरा। तो इस प्रेयर की जब आप लास्ट पॉइंट में आएंगे तो आप देखें कि आपने जब आप अपनी वर्डिंग में प्रेशर दें, प्रेयर में प्रेशर दें, आप अपनी वर्डिंग में प्रेशर दें, रूल को से कहे पाक रूह मेरी मदद कर इस दुआ को करने में, खुदावंद की दुआ में, दुआ को करने में मेरी मदद कर, रूल को आपका मददगार है, वो आपको आपकी मदद करेगा इस प्रेयर को करने में, ताकि आप खुदावंद की दुआ में शामिल होकर खुदावंद के मकसद में, जो लोग खुदावंद की दुआ करेंगे वो खुदा के मकसद में शामिल होंगे, वो उस फजल और उस सच्चाई को जरूर समझेंगे
जिससे वो मामूर होकर, लिखा वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो मैं ये कहता हूं वो दुआ से भी मामूर था, वो दुआ की मामूरी से भरा हुआ था, ठीक है, वो उस मामूरी में प्रेयर करता था। जब आप खुदावंद से ये कहेंगे खुदावंद कुदरत तेरी, जलाल तेरे, तख्त तेरे, ताज तेरे, हमद तेरी, नियमतें तेरी हैं, फरिश्ते तेरे हैं, आसमान तेरे हैं, रूह कुछ तेरे, बेटे तेरे हैं खुदावंद, जमीन की मामूरी तेरी है, जमीन का जलाल तेरा है खुदावंद, समंदर तेरे, हैवान तेरे, हशरात तेरे, जमालात तेरे, सब कुछ जो कुछ जमीन पर है आपको प्रेयर करने से समझ आएगी, सब कुछ खुदा का है, जलाल तेरा है, कुदरतें तेरी हैं, पहाड़ तेरे, बिजलियां तेरी, वादियां तेरी। जब आप इस पॉइंट पर प्रेयर करते जाएंगे तो रूल उसका एक सर्कल आपके चुगिर्द बनता जाएगा। शैतान की दुनिया में जो लोग दुआ करते हैं वो अपने सर्कल बनाते हैं, पहले दुआ करने से पहले वो दुआ बनाते हैं, फिर वो किसी के खिलाफ झंडे गाड़ते हैं और फिर वो लोगों को गिराकर वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं, रूहानी दुनिया में वो हुकूमत करते हैं, ठीक है, शैतानी दुनिया में वो हुकूमत करते हैं। पालूस ने ऐसा ही नहीं कह दिया कि हमारा मुकाबला शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है, तो आसमानी मकामों की कुवतों से लड़ने के लिए आसमान वालों की मदद की जरूरत है, आसमानी फेवर की जरूरत है, और आसमान से उतरने वाली जो हमारी फेवर है वो हमारा यीशु है, और ये यीशु मसीह ने दुआ की है। और इस पॉइंट पर आकर आप प्रेयर करते करें और फिर खुदावन से कहें खुदावन मैं तेरा, मेरा जिस्म तेरा, मेरी रूह तेरी, मेरी जान तेरी, मेरी औलाद तेरे, मेरा रिस्क तेरा, सब कुछ तेरा है, और तेरे ही फजल को मैं सारी चीजों पर मांगता हूं। और फिर लास्ट में आकर आप अपने पर्सनल पॉइंट पर प्रेयर करना शुरू कर दें, अपने जाती मकासदों पर जो आपने रखे हुए खुदा के दूर, वहां पर आकर आप प्रेयर करें, आपके चुगिर्द एक वाइड सा सर्कल बन जाएगा, खुदा के एंजल की हजूरी, खुदा के मसा की हजूरी आपके चुगिर्द होगी, और शैतान दूर से खड़ा होकर, ठीक है, दूर से खड़ा होकर आपको देख सकता है, जेलसी फील कर सकता है, जल जाएगा, लेकिन वो आपके करीब नहीं आएगा कि आपको दुआ में तंग करे, आपको खौफजदा करे। और एक और बात, जब आप इस प्रेयर को करें तो आप इसको सामने रखें, अपने सामने रखें, दुआ लिखें और इसे दीवार पर चिपका दें, इसे सामने रखें और पॉइंट देखें और आंखें खोलकर, जब आप रूम में अकेले दुआ करते हैं, अक्सर लोग आंखें बंद करके दुआ करते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा, तुम ना खौफजदा हो, आप आंखें खोलकर पॉइंट टू पॉइंट प्रेयर करें, जैसे मैंने लफ्ज एक पॉइंट पर यूज किए हैं इसके मुताबिक आप प्रेयर करें। आप पहली मरतबा ये दुआ करेंगे आपको नहीं आएगी, आप इस पर प्रैक्टिस करें, इस प्रेयर पर आपको एक वीक लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन जिस दिन आप इस प्रेयर को करना शुरू कर देंगे फिर आपके चुगिर्द मसा का हॉल बनना शुरू हो जाएगा, रूल उसकी कुदरत जो है वो आपको घेरना शुरू कर देगी, क्योंकि इसमें सारी आप स्टार्ट से बाप की तारीफें करते आएंगे और लास्ट में आपने कुदरत बादशाह जलाल की, जब आप एक लंबी लिस्ट से खुदा के नाम को जलाल देंगे तो रूल आपको चारों तरफ से घेर लेगा, खुदा का मस्कर, खुदा का शिकायना आपके चुगिर्द ठहरेगा और खुदा के एंजल जब आपके करीब आना शुरू होंगे उस दिन आप बड़े बड़े काम करने लायक, बड़े बड़े काम करने के काबिल हम हो जाएंगे जब हम इस प्रेयर में करेंगे। दोस्तों इस पैगाम को सुने, दूसरों के साथ शेयर करें, जिनको दुआ करने का, जिनके माइंड के अंदर, जिनकी रूह के अंदर दुआ का पर्पज है, मकसद है कि हम दुआ करना चाहते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि आपको मेरे इस पैगाम की समझ भी आई होगी और मैं इस पर मजीद आगे भी बात करूंगा और इसको पॉइंट टू पॉइंट इस पर प्रेयर करें, ठीक है। जब आप इसको मुकम्मल करेंगे उसके बाद आप जाती मकासदों पर आप प्रेयर करेंगे फिर आपको बरकत मिलेगी, जब आप प्रेयर में ठहरेंगे तो खुदा की रूह आपको फिर बताएगी कि आपको अपने मसाइल के लिए कैसे दुआ करनी है। आपकी हमारी वर्डिंग पुरानी है, हमारी दुआ में सोच पुरानी, दुआ में हमारे ख्यालात पुराने हैं, तो दुआ में एक नई चीज को आप अडॉप्ट करें और इसमें आगे बढ़े ताकि खुदा आपको बरकत दे। दोस्तों यीशु ने अपने शागिर्दों को ये दुआ करना सिखाई, जो यीशु का शागिर्द बनना चाहता है, आई थिंक मेरा ख्याल है शागिर्द तो हम कलाम की रूह से पहले भी हैं, ठीक है, लेकिन जो दुआ में यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, जो दुआ के पॉइंट से यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, कुछ इल्म से यीशु के शागिर्द, कुछ तालीम से, जैसे जैसे किसी किसी के अंदर शागिर्दियत की रूह है, अगर कोई दुआ की रूह से यीशु का शागिर्द बनना चाहता है तो वो यू जरूर यीशु की ये दुआ करे। ये दुआ आपके बड़े सारे मामले हल करेगी, बहुत सारे मसाइलों में आपकी मदद करेगी, क्योंकि ये खुदावंद की सिखाई हुई दुआ है। अगर कोई खुदावंद की दुआ नहीं करना चाहता तो ये उसका जाती पर्सनल मैटर है, वो नहीं करना चाहता। मेरे इस चैनल का मकसद ये कि हम मिलकर इन दुआओं पर काम करें ताकि हमारी जिंदगी के छुपे हुए दुश्मन बाहर आए। दोस्तों खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।